नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज हम आपको लेकर चल रहे इस खास खबर में बरेली बार एसोसिएशन के सभागार के अंदर, जहां पर बरेली बार के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बरेली कॉलेज के विधि के छात्रों को संबोधित किया है। फाइनल ईयर के छात्रों को संबोधित करते हुए बरेली बार के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता, कानून के जानकार, साथ ही साथ फौजदारी के लीडिंग लायर अरविंद कुमार क्या बोले हैं, इस खास खबर में सुनिए अरविंद कुमार को। देखते रहिए गंभीर न्यूज। बार भवन में आप स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आज जो ये बच्चे आए हैं, ये बार का भविष्य है। बार के अलावा ये जुडिशरी का भी भविष्य है, ये बरेली क्या पूरे देश का एक भविष्य है। तो इन्हें ये मैसेज देना है, हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल, पहली चीज किस तरह से आप मुकदमे को फेस करिएगा, किस तरह जिंदगी की लड़ाइयों को लड़िएगा, किस तरह गरीब को न्याय दिलवाइएगा, किस तरह अगर आप जज बन जाते हैं तो गरीब कुछ लोगों को के लिए कैसे न्याय करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे, इसके लिए है। बाकी कानून पर आपको अपनी महारत हासिल करनी है। ये एक छोटा सा काम बरेली बार के HOD प्रदीप कुमार जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इसका कितना फायदा होगा ये आने वाला समय, आने वाला भविष्य बताएगा। तब आने वाला भविष्य दिखाएगा कि इस तरह के वर्कशॉप से क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या अधिवक्ता समाज को फायदा हो रहा है, क्या क्या समाज में मैसेज जा रहा है, क्या क्या भावी अधिवक्ता क्या क्या अच्छाई करेंगे, क्या होने वाले जजेस क्या काम करेंगे, किस तरह से आदमी में अपने पद पर अपनी एजुकेशन का फायदा उठाएंगे। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में सबसे बड़े भागीदार हमारे HOD बरेली कॉलेज के प्रदीप कुमार जी और सहयोगी ये छात्र और छात्राएं हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित होकर थोड़ा बहुत जो बार के पदाधिकारी होने के नाते मुझे आता है या कानून के जानकार होने के नाते मुझे आता है, उसे सुनने समझने के लिए इनने समय दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, ये हैं बरेली बार के प्रेसिडेंट श्रीवास्तव जी, और आप सब स्टूडेंट को संबोधित करेंगे कुछ ही क्षणों के बाद। बरेली कॉलेज बरेली से आए हुए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ला के। पहला सेशन जो रखा गया, हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल, पहला सेशन इसी बात का, आप सभी काबिल हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी लेबोरियस हैं। एक चीज आप गांठ बांध दें अपने, तीन कैटेगरी होती है, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है वो किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता, वो दूर से उठ पाएगा। पुरानी एक दावत है कि भूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। उस टैलेंट वाले आप में से भी कोई होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, जिनकी ग्रेस्पिंग पावर जहाँ हम शुरू होते हैं उससे दो कदम आगे से, उनका IQ जहाँ हमारा इतना शुरू होता है उससे ऊपर IQ होता है, उनकी सोच आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी विषय के, चाहे कानून के विषय के लिए हो, चाहे साइंस के विषय के लिए हो, आर्ट के विषय के लिए हो, या गॉड गिफ्टेड टैलेंट। उस गॉड गिफ्टेड टैलेंट के बाद आता है इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट भी एक होता है, एक बनाया जाता है, और इस इंटेलिजेंसिया के लिए बनाने में सबसे बड़ा हाथ गुरु का और परिवार का, और परिवार में सबसे बड़ा हाथ होता है माँ का। जिस घर की माँ सुगढ़ है वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जिस घर की माँ कुगढ़ है वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं। क्यों? पहली नर्सरी क्या है? माँ। माँ सिखाती है आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है, क्या सोचना है। उसके बाद दूसरा जो शिक्षक है वो आपका गुरु है, जिसने कक्षा ए से या KG से या NC से आपको बताता है हाउ टू बिहेव, किस तरह से आप बोलेंगे, किस तरह कंडक्ट करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से बातें करेंगे,
तो ये दूसरा शिक्षक होता है, तो ये इंटेलिजेंसिया। एक होता है भाई गधे की तरह बोझ लाद दो, लाद चलते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। 80% 70% वही होते हैं लेबोरियस, उन्हें कर दिया जाता है। आप में से भी बहुत से लोग हैं जो LLB कर रहे हैं, आपकी अपनी कोई लाइन ही नहीं है। आपने BSc करी कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, आपने BCom करा हम CA बन जाएंगे, आपने कुछ और सोचा हम बैंक में चले जाएंगे। जब कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली तो आपने कहा LLB में घुस जाओ, और LLB में घुसने के बाद आपने कहा वकील तो बन ही जाएंगे। जो ये सोच वाले हैं वो लेबोरियस की श्रेणी में आते हैं, और वो लेबोरियस की हर जगह से हताशा। आप अपने को ढालिए, समाज के अनुरूप ढालिए। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, आज भी वकालत के पीछे में लगा हुआ हूँ। मेरे दो बेटियाँ दोनों हैं, एक बेटी मेरी तरह 4 नंबर से IAS में रहेगी, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी बेटियाँ, सब बेटियाँ शेर हैं, और सब बेटे शेर सिर्फ बड़े शेर हैं। एक चीज और कहना चाहूँ, प्रतिज्ञा की मैं तो किसी कंपटीशन में बैठूंगा, कानून पे इतनी मास्टरी हासिल करूंगा कि लोग डरेंगे, और आज डरते भी हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कोई खड़ा होके डरते हैं, घबराते हैं, समारोह का जवाब देके आपको कल तक का कानून आप कतई नहीं।